छह दिन का, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उनपे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा।